हे गाइस, वेलकम टू पूनम व्लॉग्स। और आज मैं आप सभी को लेकर आ पहुंची हूं दिल्ली के गांधीनगर में। जी हां, गांधीनगर मार्केट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और दिल्ली में कर्फ्यू लगने के बाद, या यूं कहिए जब दिल्ली में बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट में आप कहीं भी आते जाते हैं तो सिर्फ दो लोगों को ही अलाउड किया जाएगा, उसके बाद जो है मार्केट का हाल आप देख सकते हैं। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और आज का जो डे है जिस दिन मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आज है मंगलवार। और मंगलवार वाले दिन देख सकते हैं कि आप ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं लोग, मतलब लोगों का आना जाना इस तरीके से है। मंडे को भी इस तरह का जो है नहीं होता है, क्योंकि लोगों के व्यापार पर बहुत ही असर पड़ रहा है जो कोविड की जो सिचुएशन है, या हम यूँ कहें जो कर्फ्यू अभी मार्केट में जो लगा है, कर्फ्यू जो लगा है उसका जो सिचुएशन है वो बहुत बुरा असर डाल रहा है इस टाइम व्यापार पर। और ये देखिए, कुछ मार्केट्स बंद हैं, ऑड इवन है, ऑड इवन का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है व्यापार पर। सब दुकानदार भाई यहाँ इस वक्त बिल्कुल खाली बैठे हैं, लोगों का बिल्कुल आना जाना कम हो चुका है। ये हाल है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर मार्केट का। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है सरवाइव करना इस टाइम हर इंसान के लिए। और ये देखिए, हर दुकानदार बिल्कुल इस समय खाली है, सब आराम से ऐसे बैठे हैं जैसे कि अभी कुछ सीज़न ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। और जबकि मंगलवार वाला दिन एक ऐसा डे होता है जब मंडे के बाद जब ट्यूसडे आता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन इधर बिल्कुल सूनापन आप कहेंगे इस मार्केट में, अदरवाइज़ ऐसा सूनापन आप लोगों को कभी भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए थोड़ा हालचाल लेते हैं। सर, आप लोग इसी यहीं पर मतलब वर्क करते हैं? यही दुकान है हमारी मैडम, दुकान बंद है। ओके, आ गए थे अच्छा, घर पे टाइम पास नहीं होता। तो अभी क्या ऑड इवन का सारा चक्कर पड़ रहा है या क्या रीज़न है जो ऐसा बिल्कुल सुनसान पड़ी है आज गांधीनगर मार्केट? बाहर से कोई आएगा उसको पता है ऑड इवन है, आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं उसको, जिस दुकान से माल लेना है वहाँ बंद होगी तो वो आके क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, क्या मतलब व्यापार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इस टाइम तो जीरो हुआ पड़ा है, किराए नहीं निकल रहे दुकानों के। बिल्कुल, मतलब फ्यूचर अभी हम कह सकते हैं इसका कोई भी फ्यूचर मतलब अंधकार में है जी, अंधकार में फ्यूचर। और आप ये देख सकते हैं, देखिए ये इनकी दुकान है और दुकान के बाहर बिल्कुल ये इस टाइम खाली बैठे हुए हैं। मतलब ऑड इवन ने इतना लोगों को परेशान करके रख दिया है कि इस टाइम मार्केट का जो है हाल सबसे बुरा है। और ये मैं आपको इस वजह से दिखा रही हूँ कि हम ये कह सकते हैं कि व्यापार के जो कभी GST बढ़ता है कभी घटता है, और क्या ये रीज़न है कोई नहीं समझ पा रहा। एक बीमारी का आना लोगों पर, देखिए इस हद तक व्यापार पर इस हद तक असर डाल देता है कि लोग सोच भी नहीं सकते। ये सुभाष रोड है गांधीनगर का, बहुत ही मशहूर और रोड है जहां पर हर वक्त ही भीड़ रहती है। और ये देखिए, मेरे ब्लॉग को डालने का मेन मकसद यही था कि हम मार्केट में रहते हैं और हम लोग ही अगर आपको मार्केट का अपडेट नहीं देंगे तो कैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि मार्केट में हालचाल क्या है। ऑड इवन की वजह से लोग आने जाने वाले, जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि किस समय जाना सही होगा और किस समय नहीं। कुछ बीमारी का डर है, कुछ ऑड इवन का डर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सर नमस्कार, ये बताइए ऑड इवन का कितना असर हो रहा है मार्केट में? आज मार्केट बिल्कुल खाली खाली, मतलब ऐसा होता नहीं है। मंडे के बाद ट्यूसडे जब आता है बहुत भीड़ होती है मार्केट में, हर दिन ऐसा ही रहता है। सर थोड़ा मास्क हटा दीजिए जी। अब सब दिन ऐसा ही रहता है। क्या लग रहा है व्यापार का क्या होगा भविष्य? डूबता हुआ नजर आ रहा है व्यापार। तो आज आप बिल्कुल खाली बैठे, वरना इस टाइम रश होता है, बात करने की फुर्सत नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। और ये आप देख सकते हैं,